नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा, हम एमपी की आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी दी। एक साल में तैयार हुए वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु, 1290 वचन और 101 गारंटी है। घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को शामिल किया गया है। यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर घोषणाएं की गई है। खास तौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस है। भोपाल में रविंद्र भवन के पुराने ऑडिटोरियम में दोपहर 12 बजे पीसीसी चीफ कमलनाथ और वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह ने वचन पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ करने और जातिगत जनगणना कराने का वादा भी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रियंका और राहुल गांधी के वादों को भी शामिल किया है। पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक 500 रुपये, कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए 1000 रुपये, कक्षा 11वीं से 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी दी गई है। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा फ्री करने का भी जिक्र है। 12 अक्टूबर को मंडला जिले में प्रियंका ने सभा को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की थी। जाति जनगणना कराने को भी जगह दी गई है। इसकी गारंटी राहुल गांधी ने 10 अक्टूबर को शहडोल जिले की सभा में दी थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।